हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय चैनल। और आई होप लोग आप सभी ठीक होंगे और आपके परिवार लोग सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि चारों तरफ कोहरा है और हवा भी चल रही है, तो आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो आप देख सकते हैं मौसम एकदम ही कोहरा बहुत ख़राब है। तो सुबह मैं जब 6 बजे उठा था तो यहाँ पर इतना कोहरा था कि कुछ सामने वाला आदमी भी नहीं दिख रहा था, इतना भयंकर कोहरा था। तो फिर आज मैं उधर गया आश्रम तरफ, तो मैं थोड़ा, आज संडे है तो आज मैं पूजा में गया था, तो इसलिए नहीं सुबह ब्लॉग नहीं बना पाया। तो मैं आपको दिखाता, कोहरा इतना ज़्यादा था कि पूछो मत। तो आगे सामने वाला आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो बट आई होप लोग आप लोग सभी ठीक होंगे। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही करते रहें, तो आपसे यही विनती है कि आप मेरे वीडियो में बने रहें और ऐसे प्यार देते रहें। तो आप लोग जो प्यार देते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस, अभी तो मैं दूध लेने जाऊंगा, तो दूध लेने के बाद मैं चावरा सेंटर जाऊंगा समाज सेवा में। तो उधर मेरा काम है क्योंकि मुझे वहाँ पे मुर्गे का पिंजरा बनाना है, क्योंकि उसमें 8-9 मुर्गे रखे जाएंगे, तो अंडे के लिए रखे जाएंगे। क्योंकि हम ज़मीन में रखते हैं तो मुर्गे अंडे तोड़ देते हैं या फिर उसको ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए इसी कारण से मुझे वो पिंजरा बनाना है। तो मैं आपको बताऊँगा पिंजरा कैसे बनाते हैं। तो हम चलेंगे, अब चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अभी आश्रम में दूध लेने, उसका दूध लेने के बाद सीधा वहाँ चलते हैं, तब आपको मैं मिलता हूँ। ओके गाइस, आप मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहे तब तक। तो गाइस, दूध भी ले लिया है, तो अभी हम गुंडा सुल्तान गुंडे बन गए हैं। तो अभी हमको ठंड लग रही है मुंह में, तो हम चलते हैं आगे, तो आपको मिलते हैं चौक पूरे ठंडा ठंडा हो रहा है। तो गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूँ चौक पूरी, तो मैंने बाइक पार्क कर ली है, तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो गाइस, अभी हम रखेंगे दूध, तो दूध रखने के बाद हम इसे उबालेंगे, उबालने के बाद हम इसको साइड रख देंगे। हमारे शंभू भैया खाना बना रहे हैं, तो देख सकते हैं कि रोटी कैसे बेल रहे हैं। पहले तो रोटी सेक रहे हैं, अब रोटी बेलेंगे, तो देख सकते हैं आप। आप देख सकते हो देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। ये देखिए, इतने जल्दी ही रोटी बेलते हैं और इतने तेज है कि कुछ और इनके जितना खाना टेस्टी कोई नहीं बना सकता, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इनको हिमाचल से बुलाया गया है, हिमाचल से शिमला, आप सोच सकते हैं, हिमाचल शिमला, आप खुद ही सोच सकते हैं, इतने दूर से बुलाया गया है नजीबाबाद, क्या बात है। तो गाइस, अभी मैंने हाफ कटिंग लाइट आई थी तो मैंने कटिंग कर लिया था जाली और क्या बोलते हैं स्क्वायर पाइप। तो अभी हम जनरेटर जलाने जा रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई है, तो उसके बाद हम वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि मैंने सारा सामान काट कूट के रख दिया है और उसके बाद हमें वेल्डिंग करना है। तो मैं इधर तेल भर दिया है मैंने, तो तेल भरने के बाद इससे तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करने के बाद अपन जाएगा उधर वेल्डिंग करने, तो दरवाजा
दरवाजा बंद कर देते हैं तो हम चलते हैं उधर। हमने यहाँ सारा चीज़ काट कूट के रख दिया है, वेल्डिंग का हमने सारा सामान निकाल के रख दिया है तो देख सकते हैं आप। और मैंने ये जाली कटिंग कर ली है, तो यह मैंने स्क्वायर पाइप भी मैंने कटिंग कर ली है और मैंने अब इसको हम वेल्डिंग करेंगे। तो शंभू भाई ने आग भी जला दिया है और शंभू भाई यहाँ पे हैं, तो शंभू भाई अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आप देखते जाइए कि वेल्डिंग कैसे करते हैं और हम मुर्गी की जाला कैसे बनाते हैं। तो गाइस अभी ख़त्म हो चुका है। अरे यार ये निशान बहुत ज़्यादा हो गया यार, चश्मा पहना था तो ये निशान बहुत ज़्यादा लग गया, टाइट है ना चश्मा तो इसलिए मेरा यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो गाइस अभी मैंने ये ख़त्म कर दिया है पूरा काम, तो आप देख सकते हैं मैंने फिनिशिंग कर दिया है इसका। तो इसके ऊपर जाला लगेगा, तो ये जाला हम कल लगाएंगे, अभी तो मेरी बस की नहीं है जाला लगाने के लिए, तो मैं ये काम यहीं रोकता हूँ। तो ये मेरा तो काम पूरा ये बना के देना था, तो ये बन गया है, तो ये कल ये जाला लगाएंगे हम, देख सकते हैं आप। तो इधर भी खड़ा है ये जाला, तो हम यहाँ लगाएंगे हम इसके ऊपर, तो हम तब बनाएंगे इसको कल, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, फादर जिस हिसाब से बताएंगे वो तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो आपको मैं पूरा दिखाता हूँ, तो गैस अभी मैं नहाने जाता हूँ क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सारा सामान रख दिया है, तो अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए क्योंकि मुझे पूरा शरीर दर्द हो रहा है, क्योंकि वेल्डिंग से मेरी आँखों में ज़्यादा वो ये जैसे ये चेहरा है तो चेहरे में वेल्डिंग की रोशनी लगती है तो जलन टाइप की होती है। तो गैस मैं नहाने जाऊँगा, तो उसके बाद मैं दूसरे आश्रम में जाऊँगा और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें तो शेयर भी करें। तो गाइस आप जो भी आप मुझे प्यार दे रहे हैं उसे मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जो मेरे वीडियो में नए हैं तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आता है करो, बट आपको देते हैं दिल से शुक्रिया, फिर से कहता हूँ कि आप मुझे ऐसे प्यार देते रहें, ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।